यमन में साल 2015 से भीषण संघर्ष चल रहा है। इस दौरान तकरीबन 10,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया का सबसे बदतर मानवीय संकट तक करार दिया है। अब यूएन ने आगाह किया है कि यमन भयंकर अकाल के कगार पर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अपर महासचिव मार्क लुकाक के अनुसार यमन पर अब स्पष्ट रूप से भयंकर अकाल का खतरा मंडरा रहा है। यमन में हो रही भारी तबाही को देखते हुए मार्क लुकाक ने ब्रिटेन की पहल पर आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक में ये मुद्दा उठाया, साथ ही युद्ध विराम की अपील की ताकि यमन में खाद्य सामग्री और बुनियादी जरूरतों से जुड़ी चीजें पहुंचाई जा सके। बता दें, इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने काल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की बात कही थी, लेकिन अब कहा है कि 1,40,00,000 लोग इस भयंकर अकाल की चपेट में आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर में इसे लेकर आगाह भी किया था। आपातकालीन राहत समन्वय लुकाक ने कहा, वहां की स्थिति बेहद बदतर हो चुकी है।